मसीह में मेरे अजीजों, आप सबको शालोम। लोग पूछते हैं हमें, आज हम बात करेंगे मसीही यहूदी ईदें क्यों नहीं मनाते। अहदे जदीद के मुताला से पता चलता है कि यहूदी अक्सर अपनी शरीयत की तालीम के मियार को खुदावंद यसु मसीह की नई तालीम के मियार से परखते और इसका मुआजना करते थे। इसी तनाजर में उन्होंने खुदावंद यसु मसीह से सवाल किया कि तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। देखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 14वीं आयते मुकद्दसा। तेरे शागिर्द सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं? उनके इसी किस्म के सवालों के जवाब में खुदावंद यसु मसीह ने शरीयत के तकाजों और अपनी नई तालीम के दरमियान लकीर खींच दी और कहा, नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती। नई मैं नई मशकों में भरते हैं। देखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 9 बाब और उसकी 17वीं आयते मुकद्दसा। अगर खुदावन यस्सु मसीह ने फरीसियों की रवायात को बरकरार रखना होता तो वो अपने शागिर्दों को फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार न करते। पौलुस रसूल ने अहदे अतीक की ईदें मनाने की तलकीन नहीं की। देखिए पहला करंथियों, उसका 5 बाब और उसकी 7वीं से 8वीं आयते मुकद्दसा। इन आयात में कहा गया है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ये मुहावरा है, इस मिसाल से मुकद्दस पौलुस रसूल का मतलब है कि थोड़े से बुरे और शरीर अफराद क्रंतस की कलीसिया में घुस आए थे जो सब पुर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आजकल हो रहा है। अगर झूठी तालीम का तदारक वक्त पर ना किया जाए तो यह पूरी कलीसिया में फैलने का अंदेशा होता है। इसीलिए वक्त पर इसके बारे में इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसी हवाला में पुराने खमीर को निकाल बाहर फेंकने की तलकीन की गई है और ताजा गुंदा हुआ आटा बनने की ताकीद की गई है जो बेखमीर हो। यह पुराना खमीर क्या है? खुदावंद यसु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहने की ताकीद की थी। देखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 6 आयते मुकद्दसा। ये फरीसियों और सदूकियों की झूठी तालीम थी, खुदावंद यसु मसीह ने इससे खबरदार किया था। आज भी बाज मौलम फरीसियों और सदूकियों की तालीम को अपनाते हुए ईमानदारों को वही बातें सिखाते हैं जिनसे खुदावंद ने खबरदार किया था। देखिए पहला करंथियों, उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा। इसमें पुराने खमीर को तर्क करने की वजह बयान की गई है, वो ये है, क्योंकि हमारा अभी फसा यानी मसीही कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईदें करें पुराने खमीर से नहीं
نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ یہودیوں کے نزدیک فسا کا برہ وہ برہ تھا جو عید فسا پر ذبح کیا جاتا اور بھون کر کھایا جاتا تھا۔ جس برے کا خون بنی اسرائیلوں نے اپنے دروازے کی چوکٹوں کے اوپر اور دونوں اطراف پر لگایا تھا۔ مقدس پولوس رسول یہ نہیں کہتے کہ اس عید فسا کی یاد منایا کرو، بلکہ وہ مسیحیوں کو برابر کراتے ہیں کہ اب ہمارا فسا وہ برا نہیں بلکہ مسیحی ہے جو ہماری خاطر قربان ہوا۔ اب ہم فسا کے برے کا خون اپنی چوکٹوں پر نہیں لگاتے، بلکہ صلیب ہمارا نشان ہے جس پر مسیحی قربان کا خون بہا۔ اس لیے مسیحی یہودی عیدیں نہیں بلکہ اپنی مسیحی عیدیں مناتے ہیں۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی قسط سے برکت۔ خداوند اس تحریر کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔